हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हर्ष इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉयड फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का कंप्लीट डेमो एंड रिव्यू। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखना वीडियो को लास्ट तक जानने के लिए कि कैसा है ये मशीन। तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी मशीन, इसमें हमको वाटर इनलेट के लिए पाइप्स मिल जाते हैं और कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं यहाँ पे। और ये जो इसके साथ में जो इसके डोर आते हैं, ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर के साथ में जो मशीन आती है, ये मशीन है 8 kg में वाली मशीन आती है। 8 kg की मशीन है, मॉडल है LWMT 80 GI 1। और ये जो मॉडल है ये 400 वाट के मोटर के साथ आता है और उस पर आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। 280 वाट का जब इसका स्पिन मोटर है वो 280 वाट का, यानी कि मोटर एक ही है लेकिन अलग अलग टाइम पर सेट है RPM पे और वॉट पे। ये जो मशीन है ये फजी लॉजिक टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। होता क्या है कि जैसे 8 किलो की मशीन है और कंपनी हमको बोलती है कि आप 16 कपड़े छोटे बड़े मिलाकर जो है वो धो सकते हैं, लेकिन घर ले जाने के बाद होता क्या है, हम इसमें मिक्स कपड़े डाल देते हैं। जो मन मर्जी कपड़ा आया हम इसमें डाल दिए, हम कभी भी कपड़े गिन के नहीं डालते। तो फजी लॉजिक से होता क्या है कि मिक्स कपड़े हमारे जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मशीन जो है वो धो कर देती है। और देखिए यहाँ पे आपको जो डिटर्जेंट है वो कपड़ों के हिसाब से डालना है। और जैसे यहाँ पे आप इंस्टा वॉश टेक्नोलॉजी के साथ में ये आता है, इंस्टा वॉश में आपको क्या होता है 40% जल्दी आपके कपड़ों को धोकर देता है ये। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये पावर ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पे स्टार्ट क्लोज का बटन है। यहाँ पे से जैसे ये सारे जो फंक्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ के जितने यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ये ऑटोमेटिक मोड है और इधर से इस तरफ के जितने मिलते हैं सेमी ऑटोमेटिक मोड है। तो यहाँ पे इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए आपने पावर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपको प्रोग्राम सेट करना है। प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक हो जाती है। यहाँ पे आपको ये जो मशीन है वो 8 वॉश प्रोग्राम के साथ में आती है, नॉर्मल मिक्स स्ट्रॉन्ग स्विफ्ट 15 जेंस सॉफ्ट हैवी आई क्लीन। ये सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको इनमें क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से कपड़े डालने हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर दिया, नॉर्मल में आ गया। नॉर्मल में क्या रहता है, जैसे मान के चलिए घर में आप रोज़मर्रा के कपड़े हैं, डेली पहनने वाले कपड़े हैं, उसको आप नॉर्मल वॉश कर सकते हैं। उसके बाद मिक्स कपड़ों में क्या आता है, सभी जो कपड़े मिला जुला कर आप डाल देते हैं वो कपड़े आपको इसमें आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग में जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट है, ये सभी चीज़ों को आप एक साथ डाल सकते हैं या फिर अलग अलग करके। वैसे भी ब्लैंकेट्स वगैरह जैसे आप इसमें वॉश करेंगे तो आपको सिंगल रोल करके डालना होता है। स्विफ्ट 15 में क्या होता है, जैसे कम गंदे कपड़े हैं, हल्के टावेल हैं या फिर पतली बेडशीट है, उन सबको आप इसमें वॉश कर सकते हैं। ये आपको 15 मिनट में धोकर सुखाकर सब कुछ करके दे देगा। और ये जो यहाँ पे छोटा सा आपको डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे आपका टाइमर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जींस के लिए अलग दिया है, सॉफ्ट कपड़े हैं उसके लिए अलग है, हैवी कपड़े हैं उसके लिए अलग मिल जाता है। आई क्लीन इसमें क्या रहता है आपका, जैसे मान के चलिए आपने एक बैच कपड़े इसमें वॉश कर दिए, एक बैच वॉश करने के बाद कपड़े क्या होता है, आप सेकेंड बैच कपड़े वॉश करेंगे तो होता यह है कि पहले वॉश किए हुए कपड़ों में से अगर कोई जर्म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहता है, वो दूसरे वॉश करते वक्त दूसरे बैच में नहीं जाता। ये हाइजीन का ख्याल रखता है, आई क्लीन नाम से ये फीचर आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको इधर के जो मोड्स हैं वो यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर ऑन ऑफ करना है, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक मोड है तो आपको करना क्या है, जैसे आपको सिर्फ कपड़ों को वॉश करना है, इसमें क्या होगा आपका जो पानी है वो ड्रेन नहीं होगा, आपका पानी बचा रहेगा। यहाँ पे आप देखिए 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट तक के आप जो है वो वॉश कर सकते हैं। वैसे ही आपको जैसे रिंस करना है तो रिंस करते वक्त आपको पावर ऑन ऑफ करना है और इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। वैसे ही आपको स्पिन करना है तो सेम साइकिल है, पावर ऑन ऑफ स्पिन 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 9 मिनट तक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दबाना है। वैसे ही जैसे यहाँ पे देखिए वाटर लेवल मैनुअल आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। जब आप इसमें मान के चलिए आपको मैनुअली कपड़े धोने हैं तो यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं लो मीडियम हाई, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आप जो है इसमें चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। रिंस एंड स्पिन को आप एक साथ अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपका जो है ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा। जब जैसे घर में बच्चे वगैरह रहते हैं वो आकर खेल वेल में बटन्स वगैरह को छेड़छाड़ ना करें, इस वजह से यहाँ पे चाइल्ड लॉक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलिए आपके घर में ओवरहेड टैंक है और ये जो मशीन आती है जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, उसमें क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल ऑटोमेटिक मशीन अगर यूज़ करते हैं या फिर आपने ला रखी है अपने घर में, तो होता क्या है आपके घर में अगर 10 फीट प्रेशर है तब तो ठीक है, लेकिन प्रेशर कभी कम हो जाता है तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल वॉश का प्रोग्राम है और यहाँ पे टाइम आ रहा है आपका 40 मिनट 45 मिनट, वो टाइम बढ़ जाएगा आपका 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर है जो वो लो है तो पानी भरने में जो है वो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी में ये बेनिफिट मिलता है, जैसे प्रेशर लो है तो भी जो मशीन है वो वर्क करेगी, आपको कहीं भी कुछ एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर प्रेशर एरर बहुत सारे मशीनों में आता है। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप चाहें तो इसमें बाल्टी से पानी डालकर भी मैनुअली जो है वो कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। वो कैसे आप वॉश करेंगे, आपको सिंपली पावर ऑन ऑफ करना है,
कपड़े डालने हैं, कपड़े के हिसाब से इतना ऊपर, कपड़ों से इतना ऊपर आपको पानी डाल देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी होगा तो जो है मशीन वो सेंस करके पानी को बाहर निकाल देगी। देन आपको यहाँ वॉश का ऑप्शन जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अगर मैनुअली बाल्टी में पानी डालकर धोते हैं तो सिर्फ वॉश होगा, ठीक है, और आपको अगर सुखाना है तो सिर्फ स्पिन होगा, आपका जो रिंस है वो नहीं होगा। तो ये था मेरा डेमो इस वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा नीचे कमेंट्स में, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।